एक बार फिर सलमान के पिता को मिली धमकी। बुर्केधारी महिला ने घर के बाहर धमकाया, बोली सही से रहो वरना लॉरेंस को बता दूं क्या। बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, हुई गिरफ्तारी। सुपरस्टार सलमान खान के पीछे बुरी तरह से पड़ गए हैं उनके दुश्मन। सलमान खान के पिता सलीम खान जब सुबह सुबह अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर वॉक कर रहे थे, तब एक महिला ने उन्हें धमकी दी। सलीम खान रोज की तरह 18 सितंबर की सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी गैलेक्सी की तरफ से बैंड स्टैंड की तरफ एक स्कूटी जा रही थी। उस पर एक आदमी सवार था और उसके पीछे एक बुर्के वाली महिला बैठी थी। महिला ने सलीम खान से कहा, सही से रहो वरना लॉरेंस को बता दूं क्या। लॉरेंस गैंग के नाम पर सलीम खान को यह धमकी बुधवार को मिली है। बता दें, सलमान खान के परिवार ने इस मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। खबर है कि पुलिस ने इस केस में एक शख्स के साथ उसकी गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया। हालांकि पुलिस फिलहाल इस पूरे केस की जांच कर रही है और उनसे पूछताछ जारी है। बता दें, सलमान खान अभी मुंबई शहर में नहीं है। बुधवार देर रात उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर टाइट सिक्योरिटी के बीच देखा गया। बताया जा रहा है कि सलमान खान सिकंदर फिल्म के गाने की शूटिंग के लिए यूरोप गए हैं। इस वक्त सलमान खान की परेशानी और भी बढ़ गई होगी, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में उनके पिता सलीम खान को धमकी मिली है और ऐसे में सलमान खान को अपने परिवार की चिंता सता रही होगी। बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पहली धमकी भरी चिट्ठी भी सलमान खान के पिता सलीम खान को ही मिली थी। तब भी वो मॉर्निंग वॉक पर गए थे और उस मामले में केस भी दर्ज हुआ था। उसके बाद से लगातार सलमान खान और उनका परिवार लॉरेंस बिश्नोई के धमकी के बीच जी रहा है। बता दें, इसी साल 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर के बाहर दो मोटरसाइकिल सवारों ने गोलीबारी की थी। उन्होंने 4 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें से 2 गोली सलमान खान के घर की तरफ गिरी थी। एक गोली उनकी बालकनी में भी गिरी थी। गनीमत है कि इस घटना के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। आपको बता दें, सलमान खान उस वक्त अपने घर पर ही मौजूद थे। मुंबई पुलिस ने इस हमले के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को जिम्मेदार ठहराया और इस मामले में 6 लोगों को अरेस्ट किया। ये सभी लोग अभी फिलहाल जेल में हैं। तब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी सलमान खान के घर पहुंचे थे और ये कहा था कि सलमान और उनके परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कई सालों से बिश्नोई गैंग सलमान खान पर अटैक करने की फिराक में है। लॉरेंस बिश्नोई और भारत कनाडा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बरार ने कई दफा सलमान को मारने का सरेआम ऐलान किया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कई वीडियो जारी किए, लेकिन उनकी ये कोशिश अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। उन्होंने मुंबई में सलमान पर हमले के लिए शूटर तक भेजे थे। बता दें कि 1998 से सलमान और लॉरेंस के बीच का विवाद चल रहा है। इसी साल एक्टर का नाम काले हिरन शिकार के मामले में आया था। तब से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का दुश्मन बना हुआ है। आपको बता दें कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वजह से बहुत टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं। उनके काफिले के चारों तरफ मुंबई पुलिस रहती है। वहीं आपको बता दें कि सलमान खान के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी उनके साथ चलते हैं। लेकिन इसके बावजूद मंगलवार की रात सलमान खान के काफिले के बीच एक बाइक सवार घुस गया था। देर रात सलमान खान उस समय अपने घर बांद्रा जा रहे थे। बाइक सवार उनका पीछा कर रहा था। उसके बाद सलमान खान के सुरक्षा गार्ड्स ने उसको पकड़ा और बांद्रा पुलिस स्टेशन में भेज दिया था। हालांकि तब पता चला था कि उस शख्स को ये नहीं पता था कि काफिले में सलमान खान है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।